स्वागत है आपका सनीजर टेक में। मैं हूँ आपका सनीजर। कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप सेकंड हैंड आईफोन खरीद रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ों को आपको बहुत ध्यान रखना है। आज मैं आपको चार ऐसी टिप बताऊंगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा एक बढ़िया सेकंड हैंड फ़ोन ख़रीदने में। और अगर आपका सेकंड हैंड फ़ोन जो आप ख़रीदना चाहते हैं वो इन चीज़ों में पास हो जाता है तो बेसिकली आप बेझिझक होकर उस फ़ोन को ख़रीद सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे IMEI नंबर, जो कि बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग नंबर होता है फ़ोन का, उसको चेक करना। IMEI नंबर जो है एक यूनिक मैन्युफैक्चरिंग नंबर है पर डिवाइस पे एप्पल ने रखा हुआ अपने आईफोन के लिए। तो बेसिकली दोस्तों, उसको चेक करने के लिए आपको जाना है अपने आईफोन की सेटिंग के अंदर। आईफोन की सेटिंग के अंदर आप जब जाएंगे उसके अंदर आपको जाना है जर्नल्स के अंदर। जर्नल के अंदर जब आप जाएंगे आपको क्लिक करना है सबसे पहला ऑप्शन अबाउट का। अबाउट के ऑप्शन में जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे यहां पे आपको IMEI नंबर मिलेगा। तो बेसिकली अगर आपके मैन्युफैक्चरिंग नंबर के आगे कैपिटल अल्फाबेट लिखा हुआ है तो ये चीज बताती है कि वो आईफोन कौन सी कंडीशन में है। अगर उसके आगे लिखा हुआ है एम तो ये ब्रांड न्यू आईफोन है। उसके बाद में अगर लिखा हुआ है एफ तो बेसिकली ये रिफर्बिश्ड फोन है जिसको कि एप्पल ने खुद रिपेयर किया है। किसी भी कंडीशन में उन्होंने रिपेयर किया हो सकता है, या तो वाटर डैमेज हुआ होगा या फिर स्क्रीन डैमेज हुआ होगा। अगर आप रिफर्बिश्ड फ़ोन ख़रीद रहे हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी रिपेयर हुई है, तो कोशिश ये कीजिए अगर आप ऐसा फ़ोन ख़रीद रहे हैं तो इसके ऊपर आप एक साल की वारंटी ज़रूर लीजिए, बिकॉज ऑलरेडी फ़ोन डैमेज हो चुका है तो रिस्क हो सकता है कि आगे भी डैमेज हो सकेगा। तो मालूम नहीं कौन सी कंडीशन में एप्पल ने इसको रिपेयर किया है, तो इससे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में एक और नंबर जो है वो है बेसिकली एन। और अगर मैन्युफैक्चरिंग नंबर के आगे एन लिखा हुआ है तो एप्पल ने ये फ़ोन डैमेज फ़ोन की इन रिप्लेसमेंट जिससे भी आप फ़ोन ख़रीद रहे हैं उनको रिप्लेस किया था। तो इन तीन कैपिटल लेटर्स को देख के आप बता सकते हैं कि जो आप आईफोन ख़रीदना चाहते हैं वो कौन सी कंडीशन में है। उसके बाद में जो दूसरी टिप है दोस्तों, वो बेसिकली वाटर डैमेज को चेक करना। ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि जिससे आप बाय कर रहे हैं वो नहीं बताएगा कि आपको कि वाटर डैमेज हुआ था या नहीं, वो आप खुद चेक कर सकते हैं। उसके लिए एप्पल ने LCI इंडिकेटर, एप्पल ने अपने हर फोन के अंदर इस इंडिकेटर को रखा हुआ है। इसका फुल फॉर्म है लिक्विड कंटेनिंग इंडिकेटर। इसको आराम से आप चेक कर सकते हैं उस एप्पल के किसी भी आईफोन के सिम ट्रे के अंदर ये इंडिकेटर लोकेटेड है। अगर फोन जो आप खरीदना चाहते हैं उसमें वाटर डैमेज हुआ होगा तो वो जो इंडिकेटर है वो लाल रंग में चेंज हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो बेसिकली इस इंडिकेटर का कलर या तो सिल्वर होता है या तो व्हाइट, वो आप नहीं देख सकते। अगर रेड कलर में टर्न हुआ है तो इसका मतलब है कि जो आईफोन आप खरीदना चाहते हैं उसमें वाटर डैमेज हुआ है। उसके बाद में दोस्तों, तीसरी जो टिप है वो है बेसिकली बैटरी हेल्थ। बैटरी हेल्थ को चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उससे आप बता सकते हैं कि आईफोन की जो बैटरी की कंडीशन है वो कौन सी सिचुएशन में है। इस चीज़ को आप आराम से चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है अगेन सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आप जब जाएंगे तो बैटरी का ऑप्शन मिलेगा। जब बैटरी के ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर आपको मिलेगी बैटरी की हेल्थ। तो ब्रांड न्यू फ़ोन की जो बैटरी हेल्थ होती है 100% होती है। और आप कोशिश ये कीजिए कि ये जो आप आईफोन खरीद रहे हैं वो बेसिकली 90-100% के बीच में होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर आपको बैटरी की कोई प्रॉब्लम ना हो और सेकंड हैंड फ़ोन ख़रीदने के तुरंत बाद आपको बैटरी ना चेंज करनी पड़े। 90-100% बैटरी काफ़ी बढ़िया हेल्थ बैटरी हेल्थ होती है। अगर बात करें एक साल की यूजर्स की, तो अभी जो मैं आईफोन यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, इसकी बैटरी हेल्थ की बात करूँ तो ये 4 महीने के यूजर्स के बाद भी 100% पे है। तो कोशिश ये कीजिए कि बैटरी हेल्थ जो है near to 100% हो। उसके बाद मैं चौथी टिप जो दोस्तों मैं बताऊँगा वो है बेसिकली रिफर्बिश। अगर आप फ़ोन बाय कर रहे हैं तो एफिलिएटेड सप्लायर से ही बाय कीजिए। यहाँ जैसे कि US में रिफर्बिश फ़ोन आप एप्पल की वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, वैसा अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप अपने US में कोई अगर फ्रेंड रह रहा है तो उसको बोल के आप ख़रीद सकते हैं US की वेबसाइट से। अभी इंडिया की जो एप्पल की वेबसाइट है उसके ऊपर ये ऑप्शन नहीं है आपको रिफर्बिश फ़ोन ख़रीदने का, पर फिर भी आप एफिलिएटेड सप्लायर से बाय कर सकते हैं रिफर्बिश फ़ोन। सो ये थी दोस्तों इजी टिप। अगर आप सेकेंड हैंड फ़ोन ख़रीद रहे हैं तो इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा कंटेंट और देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर बहुत सारे टेक रिलेटेड व्लॉग्स हैं तो आप मेरे को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, बिकॉज आने वाले कंटेंट को आप मिस नहीं करेंगे बेल आइकन को दबाने से। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे चैनल पर चल रहा है कैंपेन। आप में से 1000 लोग जो पहले सब्सक्राइब करेंगे उनमें से एक लकी विनर को मिलेगा फ्लिपकार्ट का 5000 रुपये का गिफ्ट कार्ड। उसके लिए आपको क्या करना है, जो साइड में आपको वीडियो दिख रही है सब्सक्राइब करने के बाद इसके अंदर जाकर आपको कमेंट करना है कि आप इस गिफ्ट कार्ड को किसके लिए यूज़ करेंगे, और इस वीडियो में आए हुए कमेंट्स को यूज़ करके हम लकी विनर को डिक्लेयर करेंगे। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम के लाइव पे लकी विनर डिक्लेयर किया जाएगा। तो दोस्तों, ये था छोटा सा व्लॉग आपके लिए। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। मैं आपको जल्दी मिलूंगा आने वाले व्लॉग में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।